गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं मॉर्निंग असेंबली में बड़े एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करूँगा और विशेष रूप से दो कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो सफलता की ऊंची ऊंची छलांगें और पतन की भी भारी भरकम छलांगें लगाते हुए भारतीय राजनीति में कसरत करती रही हैं और प्रमुख नारा था सबको शिक्षा सबको काम उनका, कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि सबको शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए सबको काम मिले, ये उनका प्रमुख एक ही नारा है जो, और ये नारा इनका इतना महत्वपूर्ण है जो नहीं किसी के पास नहीं है। आज ये भी कहूँगा, इससे अति विकसित कोई व्यवस्था होती नहीं है। हालांकि लोगों ने उन पर चीनवादी होने का, चीन समर्थक होने के समय समय पर आरोप मंडे हैं, चीन देश की शासन प्रणाली से उनकी समझ होती है, चीन के शासन से अगर पद्धति का समर्थन एक अलग है, पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है परंतु वहाँ भी कोई अच्छी बात हो तो हम कह सकते हैं वहाँ ये चीज़ अच्छे किसान अगर हमसे कोई अच्छी चीज़ उपजा रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन ले रहे हों प्रति हेक्टर में, तो ये बात हमारे किसान इसमें साझा कर सकते हैं, वो सामरिक मुद्दा और वैदेशिक मुद्दा नहीं बनता। तो चीन से उन लोगों का क्या आलिंगनता है, क्या लगाव है, जो चीन की सरकार का समर्थन करते हैं, चीन देश का समर्थन करते हैं, तो मैं उनसे ये भी कहूँगा कि ऐसी भूल कभी ना करें, ऐसी हमें फंडिंग की जरूरत नहीं है और ऐसी विचारधारा की जरूरत नहीं। पहले कहा था देश से समझौता कभी नहीं करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए, देशभक्ति से बढ़कर कोई अन्य भक्ति नहीं है और न कोई विचारधारा है। तो चलो उन साथियों से विरोधी क्या कहते हैं, उनका नज़रिया वो स्वयं इस बात को जाने और समझ में कहूँ, इस तरह की बात सामने नहीं आनी चाहिए। अब जो प्रमुख बात जो सामने निकल कर आई है, सबको शिक्षा सबको काम और महिला आदिवास नज़दीक है। मैंने पहले कहा था दोनों पद्धतियाँ विफलता इधर बढ़ी हैं, निजी और सरकारी। निजी में लाभ कमाने की मशीन, शोषण का चक्कर, कानूनों की श्रम कानूनों के उपभोक्ता कानूनों की अनदेखी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मार्क्सिज्म ने भी उठाई थी कि लाभ कम लाभ श्रम में नहीं बांटा जाता। वो बातें मैं निजी क्षेत्र के बाद में कहूँगा। सरकारी में लाल फीता सही बार बार आरोप लगाते हैं, उनके भ्रष्ट अधिकारी एक मंडली बना लेते हैं अपने भ्रष्ट कर्मचारियों के, उनकी बड़ी संख्या में होती कर्मचारी 2000% तो होते हैं। बैंक के कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लोन की व्यवस्था जिन लोगों के हाथों में होती है वो ले डूबते हैं। परिवहन के अधिकारी बड़ी ईमानदार होते हैं परंतु तेल की व्यवस्था, यानी मेरा मतलब खरीद से मामला है, तेली व्यवस्था कि परिवहन को खरीद से लेकर आगे संचालन तक जो वित्त का काम करते वहाँ खामी में जैसे वाक डूबता तो कर्मचारी बड़ा दुख होता है कि मैं सुबह से पसीना लाकर जो कार्य कर रहा था, मेरे पसीना के सूखने से पहले मुझे अच्छा समाचार मिलना चाहिए। तो ये बातें जो है निजी और सरकारी में जो खामियां हैं, परंतु मैं ये कहूँगा कि मैं कम्युनिज्म को यही कह रहा हूं। और एक आदमी तो समाजवादी के नाम से पार्टी बना रखी भाई, तो जिसका नाम अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव, वो कहते हैं मैं समाजवादी, मैं उनको कहूँगा। और नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग भी बालिकाओं के और महिलाओं की सम्मान और शिक्षा के लिए नारे बुलंद कर रहे हैं। मैं सभी से 8 मार्च को कहूँगा कि कोहाड़वास में जो महिला विश्वविद्यालय, वो मैंने पहले कहा था किसी के बाप और दादा का नहीं बन रहा है, एक समाज की व्यवस्था विकसित की गई, समाजवादी व्यवस्था विकसित की गई है। कि जिसमें सीताराम जी ये चोरी, पत्रकार साथी जो ये अच्छे से बोलते हैं दिन भर, नेता साथी नरेंद्र मोदी जी, उनके राजस्थान के प्रतिनिधि, हरियाणा के प्रतिनिधि, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के वाहक,
रतन टाटा जी से कहा जाता है कि इतना दान कर डालता है जो लोगों को देखा नहीं जा सके, आंखें ओझल हो जाए मुंजे इस दान को देख ले। तो इन सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि आपका सम्मान है और मैं आपसे किसी ढंग से कमतर नहीं मिलूंगा। आप और आपके समर्थक आपको क्या आंकते हैं मुझे उसी से मतलब नहीं। इस विश्वविद्यालय में मेरा योगदान आपसे किसी भी तरह कम नहीं मिलेगा। आप वेदरक हो, टाटा हो, अंबानी हो, वसुंधरा हो, अशोक गहलोत, मनोहरलाल खट्टर, कंवरपाल गुज्जर, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, पवन यादव, नरेंद्र यादव, जितने भी एक दो और भी यादव भाई हैं जो भी पुस्तक लिख रहे हैं समाजवाद पर, तो सभी का बुलाव पत्र है। ये CRL यूनिवर्सिटी जो चैनल बनाया गया वो उस यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए बनाया गया, और मैंने पहले कहा था किसी की नहीं है, सरकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं और भारत का जो चेहरा है ये यूनिवर्सिटी नहीं है, भारत की सामाजिक दानी दानी व्यवस्था, दानी व्यवस्था बहुत हैं जो CSR दिन भरते हैं, इसने इतना दान चैरिटी में दे दिया, मिशनरीज भी बहुत हैं और इस्लामी क्रांति के सूत्रधारों का भी यहाँ बड़ा दबदबा है। मैं कहता हूँ इस्लामी व्यवस्था जो कर रही उसी तरह की व्यवस्था होगी, प्योर महिलाएं और आर्य समाज भी आ गए। ये व्यवस्था अगर यहाँ, मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले हम हाईएस्ट एजुकेटेड जो लेडीज होंगी 1000 जो इंडिया में, चाहे मेडिकल क्षेत्र की हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र की हो, जिस क्षेत्र में वो प्लानिंग बनती रहेगी कि कितनी लड़कियों को और कितनी महिलाओं को सुरक्षित शिक्षा और रोजगार दी जाए। पर ये सहकारी संस्थान बनने जा रहा है और 8 मार्च को हम सैल्यूट करेंगे। और ये भाई जो जितने भी हैं राष्ट्र और धर्म के रक्षार्थ, बालिका रक्षार्थ और ढेर सारे संस्थाएं बना रखी हैं विकास के नाम पर, इन सबको मैं कहूँगा जोर शोर से, जनता से भी आवाज़ बुलंद करूँगा कि इन लोगों को यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा, अपना चेहरा दिखाने का मौका मिलेगा कि वो किस नज़रिए से काम करते हैं। तो आप विश्वविद्यालय के ज़्यादा से ज़्यादा सभी, और कम्युनिज्म को विशेष रूप से कहूँ, हम जा रहे हैं उधर सबको शिक्षा, सबको काम के लिए। आप वृंदा कारत सबसे पहले पहुँचे कुआड़वास, समृद्धि रानी पहुँचें और बांसुरी सुषमा स्वराज की बेटी जो आजकल AA के रूप में कार्यरत हरियाणा में, उन सभी से प्रार्थना करता हूँ महिलाओं से भी कि कुआड़वास के ग्राम पंचायत में वहाँ महिला सरपंच है, एक अच्छा अवसर है कि आप पहुँचें और इस पुण्य कार्य को, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने और सर सैद अहमद खान ने कभी प्रयास किया तो आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धाक वाली विश्वविद्यालय बन गई। यह भी बनेगा वैश्विक स्तर का संस्थान, बालिकाओं को शिक्षा और महिलाओं को काम वाला संस्थान। मैं कम्युनिज्म समाजवाद, हिंदुत्ववाद, भोजन समाजवाद, जितने भी विचारधाराएं जिनके जो लोग हैं उन सब के यहाँ उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पलवित कर रहे हैं। अतः महिला संस्थान के लिए सभी सहयोग करें और आगे आए और इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करें। मैंने पहले कहा है कि जो डॉक्टर मुकेश इस कार्य के लिए जो भाग बने, आप घबराइए मत, दान काम जहाँ भी जैसी भी सहयोग की आवश्यकता होगी। और ग्राम पंचायत का तो कहना ही क्या है, मैं यूनेस्को से भी कहूँगा, यूनिसेफ से भी कहूँगा, UNO से भी कहूँगा कि इस और IMF जैसे संस्थान और बैंकिंग संस्थान भी कुआड़वास ग्राम पंचायत के वहाँ पहुँचें और दस्तक दें, उनसे प्रार्थना है ताकि इसको अमली जमा पहनाया जा सके और एक महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। धन्यवाद।